यही वहां से बताया गया है जो आपको हम बता रहे हैं। और कि खरमास के बाद किसी दिन हो सकता है, अब हम लोगों को शपथ की या तो राज्यपाल भवन से या सीएम ऑफिस से मिलेगी तो एक पूरे डेट बता देंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें राजभर शामिल। एनडीए के साथ आने के बाद राजभर का दावा है कि वो जल्द ही मंत्री बनेंगे, लेकिन महीनों बीत गए अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आया। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी से मिले, जेपी नड्डा से मिले और अमित शाह से मिलने पहुंच गए। चर्चाएं चली कि मंत्री न बनाए जाने से राजभर नाराज हैं, इसीलिए तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ओम प्रकाश राजभर 3 बार ये दावा कर चुके हैं कि वो जल्द ही योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। पहला दावा उन्होंने नवरात्र के वक्त किया कि मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कही, फिर दीपावली का वक्त दिया और अब ओम प्रकाश राजभर खरमास खत्म होने के बाद मंत्री बनने की बात कह रहे हैं। यूपी तक की टीम ने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो मैसेज है वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से भी और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के यहाँ से जो बताया गया मुझे कि खरमास के बाद किसी दिन हो सकता है, यही वहाँ से बताया गया है जो आपको हम बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से भी मिला था तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मिल लीजिए और फिर वहाँ से मैसेज आ जाए तो फिर हो जाए। तो दिल्ली का मैसेज मुख्यमंत्री जी के पास गया है कि नहीं? अब हमको तो अभी जानकारी नहीं, हम चूंकि बाहर है, बाहर अपने काम में लगे हैं। अब सोचना, अब हम लोगों को शपथ की या तो राज्यपाल भवन से या सीएम ऑफिस से मिलेगी तो एक पूरे डेट बता देंगे। फिर भी एक कोई आपको टेंटेटिव डेट ऐसा समझ में आ रहा है कि 14 से 22 के बीच में होगा, या बीजेपी कम से कम 22 के पहले नहीं चाहेगी कि मंत्री उनका, चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या 22 के बाद ये मामला जाएगा? अब इस संबंध में तो हम बहुत नहीं जानकारी बता सकते हैं। इतना हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें राजभर शामिल होगा, ये तय है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, क्योंकि मुख्यमंत्री से तो आपके संबंध बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाले रहे ना। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी से अगर संबंध की बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर से अच्छा संबंध है। पिछले 6 महीने में कई बार ओम प्रकाश राजभर अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। जब भी मुलाकात होती है तो चर्चा इसी बात की कि वो मंत्री कब बनेंगे। इस बार भी चर्चा इसलिए निकली क्योंकि बुधवार शाम ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में पहले जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर गुरुवार की सुबह अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अब राजभर की माने तो सीएम योगी ने उन्हें दिल्ली भेजा था मंत्री पद के लिए बात करने के लिए। खैर, राजभर का ये दावा इस बार कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।